अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बोंडा। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। 1 टीस्पून साबुत जीरा और ये थोड़ा सा करी पत्ता और चॉप किए हुए प्याज दिया है। एक मैंने अच्छे से प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। करी पत्ता को मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो प्याज थोड़ा सा भून चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी मिर्च। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी शक्कर। और ये इसलिए डालती हूँ क्योंकि रिश्तों में खटास ना आए। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, हल्दी का स्मेल निकाल लेंगे, उसके बाद में आलू ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के आलू लिए थे, उसको अच्छे से बॉईल करके इसको मैश कर लिया है। तो ये ऐड कर दूंगी मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके फिर से मिक्स कर लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए देंगे। लिया है बेसन, सना का आटा और 1/2 टीस्पून करीब हल्दी ऐड कर ली है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है हमें। थोड़ा सा ही कश्मीरी मिर्च सिर्फ फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने ऑलरेडी आलू में भी नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका घोल बना लूंगी। बहुत पतला घोल मत करिए। इतना घोल काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू शेप में बोंडा बना लिया है और इस तरफ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो तेल को धीमी आंच पे रख लेंगे और बोंडे को इसमें डीप करेंगे अच्छे से। इसके बाद एकदम ध्यान से गैस में तेल में डालेंगे, बाकी बोंडे भी ऐसे डाल लेंगे। एकदम हल्के हाथ से हिलाएंगे, पलट पलट करके अच्छे से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो ये निकाल लेंगे हम, ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। और इसके बाद बाकी के बोंडे भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आलू बोंडा बनके रेडी है, आप भी ट्राई करें। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।